आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाउटनेट। क्वेश्चन है, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान पर रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु में जब उनकी मृत्यु हुई तो 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा, चरक बिखने चारिक हे भिक्षुओ, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया। पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया और पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। कल्या वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया। जीवन पर्यंत घूमते ही रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह पर दर्शन के लिए और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल तो कभी मिथिला, कभी कश्मीर तो कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए श्रुति, धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से एक से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। हमें इस गद्यांश से प्रश्न पूछा गया है कि स्वच्छंद में कौन सा संधि है, तो हमें चार विकल्प दिए गए हैं। ए नंबर पे लिखा है विसर्ग, बी है दीर्घ, सी नंबर पे है गुण और डी नंबर पे है व्यंजन। इन चार विकल्पों में से बताना है कौन सा विकल्प है जो हमारा सही उत्तर होगा। स्वच्छंद का हम संधि विच्छेद करेंगे तो जिससे हमें पता चलेगा कौन सा संधि है। तो सब संधि विच्छेद करने से हमारे पास आएगा सौ प्लस छंद। किसी हर्षव या आ का मेल छह से होने पर छह से पहले छह जोड़ दिया जाता है तो यह व्यंजन संधि कहलाती है। तो हम लिखेंगे स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। किसी हर्षव या आ का मेल छह से होने पर छह से पहले छह जोड़ दिया जाता है जिस कारण इसमें व्यंजन संधि हो जाती है। तो स्वच्छंद का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास आएगा सौ प्लस छंद। स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। किसी हसव या आ का मेल छह से होने पर छह से पहले छह जोड़ दिया जाता है, इसीलिए स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। इन चार विकल्पों में से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी व्यंजन संधि। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।